अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, बहुत टाइम बाद चिकन का आलू गोश्त शोरबे टाइप थोड़ा सा, जैसे तो क्योंकि रमज़ान में इतने दिन से बस सिर्फ कढ़ाई या इस तरह के डिशेज़ ही बना रहे हैं, तो आज मेरा दिल था कि मैं आलू गोश्त बनाऊँ, तो वही बना रही हूँ। ये मैंने एक अदद प्याज लिया है और तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें मैंने प्याज डाल दिया, प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, तब तक मैं जल्दी से आलू जो है वो छील के साफ़ कर लेती हूँ। ये है 2 अदद आलू जिसको मैंने छील के साफ़ कर लिया है। आलू को छील के साफ़ कर लिया है, अब हमने इनको छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में काटना है, जितना आप छोटा इसमें डालना चाहते हैं। साथ में मैंने बना लिया है इसका जूस टमाटर का, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये 3 अदद टमाटर हैं और तकरीबन 6 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची डाली हैं। ये इसका मैंने जूस बना लिया। ये देखिए प्याज है गोल्डन फ्राई हो रहा है, तब तक हम इसमें ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। जब तक प्याज गोल्डन फ्राई होगा ये भी इसमें गल जाएगा बिल्कुल 2 मिनट में। ये देखिए प्याज और लहसुन जो है फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। ये आधा किलो चिकन है क्योंकि घर में बंदे कम हैं तो कम लोग ये बना रही हैं, और वैसे भी क्योंकि रोज़ा है तो इसी टाइम नफ्तारी के लिए ही सालन बनाया जाता है, इसलिए मैं तकरीबन 4 से 5 बंदों के लिए ही बना रही हूँ। और ये 1/2 किलो चिकन है। देखिए चिकन जो है उसका कलर चेंज हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाने हैं इसको, इसका अपना पानी जो है खुश्क हो जाए, हम इसके बाद इसमें आलू डालेंगे। चिकन भी तकरीबन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं हल्दी, जायका, नमक। हमने अभी चिकन भी नहीं डाला था, ये तकरीबन 1/2 चम्मच और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है हल्दी जायका। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने आलू को भी साफ फ्राई करना है, इसके बाद हम इसमें टमाटर का जो जूस है वो डालेंगे। आलू को भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई, अब हम इसमें टमाटर का जूस डाल देंगे। टमाटर का पानी खुश्क होने वाला है, अब हम इसमें डाल लेते हैं सूखी कुटी हुई मिर्चें, ये लाल कुटी हुई मिर्ची 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, और ये सालन मसाला 1/2 चम्मच। ये तो ऑयल जो है वो निकल आया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं।
कि हमने इसमें आधा कप पानी डाला है। अब हम इसके ऊपर ढकना रख देंगे और गैस जो है वो मीडियम पे रख लेंगे, तो पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा, आलू भी नरम हो जाएगा और इसका ऑयल जो है वो भी निकल आएगा। आलू भी नरम हो चुके हैं और सालन जो है वो ऑयल भी छोड़ने लगा है। अब हम ऊपर इसके धनिया जो है वो डाल देते हैं, तो मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर गैस जो है हम ऑफ कर देंगे।